नमस्कार दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए। भारत चीन सीमा विवाद पर वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। पर इन मुलाकातों के बीच सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर आईएनसी टीवी पर एक्सक्लूसिव खबर, और ये खबर है कि जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, पीछे 5 विधानसभा के चुनाव थे उसमें जब व्यस्त थे, तो उस वक्त चीन ने सीमा के पास 624 गांव बसा दिए। चीन सरकार ने अपने दस्तावेज में खुलासा किया था कि कुल 624 गांव बनाए जाने हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चलानी ने चीन की सरकारी वेबसाइट tibet.cn के हवाले से बताया कि चीन की सरकार ने साल 2021 में इन गांवों का निर्माण कर जो है वो पूरा किया है। श्री चलानी ने कहा कि भारत चुनाव और घरेलू राजनीति में व्यस्त है, वहीं चीन ने चुपके से भारत से लगती सीमा पर ये 624 गांव बसाने का काम पूरा कर डाला है। उन्होंने कहा कि साल 2017 में चीन के राष्ट्रपति ने तिब्बती चरवाहों को सीमा पर बसने का आदेश दिया था, इसके बाद से इन गांवों को बसाने का काम तेज हो गया। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अमेरिकी रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत से लगी सीमा के नज़दीक गाँव का निर्माण किया है। दूसरी बात भी आपको याद होगी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापिर गाओ ने भी कहा कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उस वक्त उन्होंने बताया कि 100 से अधिक घरों के निर्माण के पीछे बीजिंग है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में तसारी चू नदी के तट पर दिखाई दिए। पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई आया ही नहीं। अब सीधे चलते हैं अपने सहयोगी श्री प्रणव झा के पास, जो कह रहे हैं All is not well. नमस्कार, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन के साथ जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक अहम बयान दिया था, ना कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में है। कूटनीतिक भाषा को दरकिनार कर कहें तो प्रधानमंत्री के इस बयान का लबोलुभाव है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते में कोई झोल नहीं, सब चंगा सी। फिल्मी अंदाज में कहें तो ऑल इज वेल। लेकिन सच क्या है, इस पूरे खबर को गौर से देखिए और फिर इस सवाल का फैसला आप खुद कीजिए। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1975 से 2020 के दौरान 45 वर्षों तक भारत चीन सीमा पर शांति बहाल रही, बॉर्डर मैनेजमेंट में स्थिरता बनी रही और सेना को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा, लेकिन 2020 में हालात बदल गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी पत्रकारों को यह भी बताया कि आखिर साल 2020 में चीन सीमा पर हालात कैसे और क्यों बदले। उन्होंने कहा, हालात इसलिए बिगड़े क्योंकि चीन और हमारे बीच द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर सैन्य बलों को इकट्ठा नहीं करने का समझौता था, जिसे चीन ने तोड़ दिया। अब आपसी रिश्तों की दिशा सरहद की हालात से ही तय होगी। जाहिर है, ऐसे में चीन के साथ हमारे संबंध बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ये देश के विदेश मंत्री की ईमानदार स्वीकारोक्ति है। वो दुनिया के सामने साफ साफ तौर पर कह रहे हैं कि चीन के साथ हमारे संबंध बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2020 से पहले 45 साल तक सही मायने में सब कुछ सही रहा और जो कुछ हुआ वो साल 2020 से ही शुरू हुआ है। लेकिन हमारे पीएम का बयान एक बार फिर से गौर फरमाइए, ना कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर नजर रखिए और विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक और बयान पर गौर कीजिए। विदेश मंत्री ने यह बयान पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन ने 2020 में LAC पर सेनाओं का जमावड़ा नहीं करने के लिखित समझौते को तोड़ दिया, जिस वजह से हालात बिगड़ गए। यहां आपको बता दूं कि 15 जून 2020 को गलवान वैली में भारतीय सैनिकों पर चीन के हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी बिगड़े हुए हैं। पूर्वी लद्दाख के सीमा से सटे इलाकों में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है
और इसी बात को हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के सामने रखा है। उनका बयान निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन मोदी जी के ऑल इज वेल वाले बयान के बारे में आप क्या कहते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं प्रणव झा आपको नमस्कार करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए INC TV।